अमरावती में अवैध व्यवसायियों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चार दिन ऑपरेशन ऑल आउट किया गया, जिसमें 251 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का माल भी जब्त किया गया। अमरावती पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अमरावती में ऑपरेशन ऑल आउट चार दिन किया गया। अमरावती जिले में ग्रामीण परिसर में विविध पुलिस स्टेशन अंतर्गत अवैध व्यवसाय करने वाले, साथ ही जुआ, अवैध शराब बिक्री करने वाले, अवैध रेत यातायात करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें शराबबंदी अंतर्गत 251 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के पास से 8,46,000 का माल जब्त किया गया। साथ ही जिले के जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मार कर 164 आरोपियों पर कार्रवाई की, उनसे 6,80,000 का माल भी जब्त किया। 16 आम्ही धड़क मोहिम अवैध धंद्यांविरुद्ध आणि जे वॉरंट पोलीस स्टेशनला प्रलंबित आहे ते तामील करण्याकामी पकड़ वॉरंट एक मोहिम आखली होती। त्या मोहिमेअंतर्गत 4 दिवसात दारूबंदी कायद्याअंतर्गत 248 केसेस करण्यात आला आणि जुगार कायद्याअंतर्गत 107 केसेस करण्यात आल्या। 29 पकड़ वॉरंट जी बरेच काळ तामील होत नव्हती, 29 पकड़ वॉरंट जी तामील करण्यात आली आणि 10 पाहिजे असलेले 10 आरोपी अटक करण्यात आले। यामध्ये 8.5 लाखाचा मुद्देमाल दारूबंदी केसेसमध्ये कायद्यान्वये ज्या केसेस करण्यात, त्यामध्ये 8.5 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आणि जुगार अंतर्गत 6,80,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आले। एकूण दारूबंदी कायद्यान्वयेच्या केसेसमध्ये 251 आरोपी आणि जुगारमध्ये 164 आरोपी एकूण निष्पन्न झाले। या मोहिमेअंतर्गत वाळू, जे बेकायदा वाळू वाहतूक यासंबंधी चोरीच्या 8 केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत आणि जी वाळू तस्करी रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी यांनी जी बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यामध्ये जे त्यांनी समन्वय महसूल, पोलीस, खनिकर्म विभागाचे अधिकारी या आणि RTO यांच्या समन्वय, यांचं एक पथक गठित करण्यात येण्यासंबंधी त्यांनी सूचना दिल्या होत्या। त्या सूचनांनुसार स्थानिक तहसीलदार, इन्चार्ज, SDPO एकमेकाच्या संपर्कात आले, समन्वयाने एक पथक गठित करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे।